हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो वो आपकी कौन सी अदाओं से आकर्षित होते हैं, वो आपकी कौन सी अदाओं से आकर्षित होते हैं, प्लीज स्पिरिट बताएं। जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो उनके पर्सन उनकी कौन सी अदाओं से आकर्षित होते हैं, चलिए देख लेते हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है, पेशेंस एंड द एनवी। बॉटम ऑफ द डेक है कॉर्नोकोपिया। कुछ मेजर कार्ड भी देख लेते हैं फिर। तो आपकी कौन सी अदाओं से, वो आपकी कौन सी अदाओं से आकर्षित होते हैं, स्पिरिट प्लीज बताएं। एक मेजर कार्ड दे दें। मैजिशियन द हेरोफेंट, चलिए एंड कुछ टैरो से भी ले लेंगे। डिफरेंट स्टाइल की रीडिंग सोच रही हूँ। तो वो आपकी कौन सी अदाओं आकर्षित होते हैं। नाइन ऑफ कप्स, द टावर एंड द बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। चलिए ले ही लेते हैं इसे। तो आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड जिसमें टॉरस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो स्ट्रांग है, कैप्रिकॉन स्ट्रांग है, एक्वेरियस स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस में एरीज स्ट्रांग है। तो वो आपके किन अदाओं से आकर्षित होते हैं? तो डेफिनेटली आप जो भी बातें करते हैं, आपकी बातों से ये पर्सन जो है आकर्षित होते हैं। आपकी बातें करने की जो अदाएं हैं आपकी, आप जिस तरीके से भी इनसे कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरीके से भी इनसे बात करते हैं, आप उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। आपकी बातों में वो जादू है जिनसे ये पर्सन अट्रैक्ट होते हैं। आप जिस आपकी बात जो होती है बहुत ही लाइक अ मैजिशियन जैसी होती है, मीन्स एक जादूगर के जैसी होती है, जिसमें वो सारे रंग होते हैं जैसा एक परफेक्ट इंसान में होता है। एक सारे रंग होते हैं, उसमें इमोशंस भी होती है, प्रैक्टिकलिटी भी होती है, एंड डेफिनेटली बहुत एक्यूरेट होती है, इंटेलिजेंस से भरी हुई होती है, मीन्स इंटेलेक्चुअल भी होती है, कैलकुलेटिव भी होती है, एंड बहुत ग्राउंडेड भी होती है, यानी प्रैक्टिकल भी होती है, एनर्जेटिक भी होती है, मोटिवेशनल भी होती है, एंड आपकी बातें जो हैं उन्हें हर एक लेवल पे उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो मैजिशियन के जैसा देखते हैं, एक हायर एजुकेटेड इंसान के जैसा। हेरोफेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है। आप स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड जो भी बातें करते हैं, या फिर एक हायर अथॉरिटी, मीन्स कहीं ना कहीं पावर से रिलेटेड बातें जो भी करते हैं, चाहे वो मैरिज हो, कमिटमेंट हो, वर्क से रिलेटेड हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, हर एक बातों में आपका वो जादू है, क्योंकि आपकी बातें बहुत ग्राउंडेड होती है, बहुत बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, प्रैक्टिकल होती है, इंटेलेक्चुअल होती है, एंड डेफिनेटली बहुत लॉजिकल होती है। इमोशंस भी होते हैं, लेकिन इन्हें सेटिस्फाइड करने वाले, मोटिवेट करने वाले एंड इंस्पिरेशनल वे में होती है। तो ये पर्सन बहुत लाइक करते हैं एंड अट्रैक्ट होते हैं कि इतने से आप जो, आपका जो भी एज है, आपकी इतनी कम एज में आपको इतना सारा नॉलेज कैसे है। आप में एक हीलिंग वाइब्स भी है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है आपका, तो आपकी नॉलेज जो है इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। मीन्स आपका जो विस्डम है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है, आपके पर्सन को, यानी सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट चीज़ देख लिया जाए इतने सारे रीडिंग में, तो आपका जो बातें करना है,
क्योंकि यहाँ आर्केंजल खुद मौजूद हो गए, आर्केंजल गैब्रियल हैं। आपका बातें करना जो है, आपकी बातें करने का जो स्टाइल है, इन्हें बहुत बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पर्सन जो है आपसे इंस्पायर होते हैं, आपसे मोटिवेट होते हैं, आपसे हील्ड होते हैं, आपसे हायर विस्टम उन्हें मिलता है, आपसे आपका पेशेंस, आपकी पेशेंस से भी वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हो सकता है आप इम्पल्सिव भी हों, लेकिन जिस तरीके से आप किसी भी काम को लेकर धैर्य दिखाते हैं उन्हें, जिस तरीके से भी आप पेशेंस रखते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, आप बहुत पेशेंसफुल इंसान हैं और वो इन्हें अट्रैक्ट करता है। आप में एक, आप जो भी कुछ लाइफ में चाहते हैं वो बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। मींस नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, लाइक अ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आप अपने पर्सन की लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। जैसा पार्टनर वो चाहते थे वैसे ही आप हैं। आप एक सर्वगुण संपन्न इंसान हैं जिनके साथ मैरिज कमिटमेंट या फिर एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाया जा सके। आप अनएक्सपेक्टेड उनकी लाइफ में आए होंगे, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट आया होगा। मीन्स आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जो आपने कभी भी गिव अप नहीं किया है। लाइफ में एक्सपीरियंस मीन्स लाइफ का एक्सपीरियंस आपको हमेशा ऐसा मिला है जहाँ टावर मोमेंट बहुत ज़्यादा आए हैं। मीन्स अप एंड डाउन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आए हुएंगे, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख, और सबसे ज़्यादा दुख जो आपने देखा है अपनी लाइफ में, चाहे इस रिलेशनशिप में भी आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान से टावर मोमेंट देखा होगा। इस इंसान ने आपसे बातें करना बंद कर दिया होगा, या फिर इस इंसान ने आपको बहुत वेट करवाया होगा, इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया होगा, तो भी आपने अपना जो कंपैशनेट नेचर है कभी नहीं छोड़ा, आपने लव करना नहीं छोड़ा, बल्कि हमेशा जो है इतने सारे टावर मोमेंट आने के बावजूद भी आप हमेशा हील्ड रहे हैं। हीलिंग वाइब्स है, क्योंकि आप एज अ हीलर हो सकते हैं। मीन्स आप में एक हीलिंग वाइब्स है, इतने सारे टावर मोमेंट होने के बावजूद भी आप अपनी खुशियों की तरफ जो है ईजी गोइंग होते हैं। मीन्स आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, जल्दी जो है चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते हैं, कोई भी गैजेट जो है अपने दिल में नहीं रखते हैं, कोई भी गैजेट। यहाँ एनवी भी है, तो आपके पर्सन इसलिए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटेड पार्टनर मानते हैं, जहाँ वो मानते हैं कि आपके साथ जो लॉन्ग टर्म होगा, चाहे वो मैरिज हो कमिटमेंट हो, आपके साथ एक लेगेसी क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल तो हो ही, साथ में ग्राउंडेड इंसान हो, फाइनेंशली भी आप स्टेबल हो सकते हैं। इस पर्सन को भी आप जो है विजडम से रिलेटेड इन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किया होगा, या फिर एडवाइस के थ्रू इनको बहुत सपोर्ट किया होगा। यहाँ एनवी है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी इनसिक्योरिटी, यानी आप इस पर्सन को लेकर कभी कभी आप इनसिक्योर रहते हैं, आप में भी जेलस होता है, आप भी इस पर्सन से जेलस होते हैं कि कहीं ये कहीं किसी और के साथ तो बिजी नहीं है, ये मेरा कॉल नहीं उठाते, मेरा फ़ोन नहीं उठाते, कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं ये मेरे साथ मैरिज तो नहीं करेंगे, कहीं मुझे कमिटमेंट तो नहीं देंगे। तो जो इनसिक्योरिटी है आपकी, ये भी इन्हें अट्रैक्ट करता है। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो है जो इन्हें चेज कर रहा है, तो आपकी चेजिंग एनर्जी, इस पर्सन को लेकर आप जो चेज करते हैं, चेजिंग एनर्जी भी इन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। आप मिस आप भले ही थोड़ा सा अलग लगे, लेकिन आप चेज इन्हें करते हैं, इन्हें अट्रैक्ट करता है। आप ग्राउंडेड है ये मानते हैं, आप अपनी खुशियों की तरफ फोकस है ये मानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि आपकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट ये पर्सन है। जिस तरीके से उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट आप हैं, उसी तरीके से आपकी लाइफ के भी विश फुलफिलमेंट है। आप भी इस पर्सन से इनसिक्योर होते हैं कि कितने सारे टावर मोमेंट इन्होंने दिए हैं, फिर भी जो है आपने इनसे प्यार करना नहीं छोड़ा, आज भी आप बहुत रोमांटिक है और इससे ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आपका जीवन को देखने का जो प्रोस्पेक्टिव है बहुत अलग है, ये पर्सन अट्रैक्ट होते हैं। आप इनको लेकर चिंता करते हैं, आप इनको लेकर स्लीपलेस नाइट रहती है, ये भी इन्हें अट्रैक्ट करता है। आपका लविंग केयरिंग कंपैशनेट नेचर जो है इन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। आप बहुत
कम, बहुत ज़्यादा क्या कह सकती हूँ मैं, बहुत इंट्यूटिव भी हैं एंड दूसरों के लिए आपके दिल में करुणा बहुत बड़ी है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी हुई। इन्हें पता है कि आप जो है लाइक अ मदरली वाइफ्स है आपकी, मीन्स आप दूसरों की गलतियों को भी इजी वे में फॉरगिव कर देते हैं, और इनके प्रति तो आप बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा जेलस भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा इनको लेकर यानी आप अपने पर्सन को लेकर बहुत एंजाइटी भी फील करते हैं। लेकिन आप प्रोफेशनल मामले में हो सकते हैं कि एम्परर हो, हर एक प्रैक्टिकलिटी के मामले में आप बहुत प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड इंसान हैं, मीन्स प्रैक्टिकलिटी आप में है होती है, लेकिन इस पर्सन को लेकर आप जो हैं थोड़े से लविंग ज़्यादा हो जाती हैं या लविंग केयरिंग ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके दिल के बहुत करीब हैं, ये मानते हैं, ये सारे आपकी वीकनेस को ये समझते हैं, और वो जानते हैं कि आप जो हैं आप हो तो इन्हें किस चीज़ का डर है, क्योंकि आपने इन्हें अनकंडीशनल प्यार किया। आप दुनिया के लिए भले ही एम्परर हो, बहुत ही माइंड से चलते हो, बहुत ही बॉसी हो, बहुत ही थोड़ा सा आपका जो नेचर है ट्रेडिशनल हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को लेकर आप बहुत अनकंडीशनल प्यार में हो, मीन्स अनकंडीशनल प्यार आप इनसे करते हैं, और ये इन्हें पता है, इसी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये आपके दोनों पक्षों को देखते हैं, ये आपके प्रोफेशनल चीज़ों को भी देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को डील करते हो, बहुत बहुत प्रोफेशनल वे में डील करते हो, बहुत ही माइंड से कैलकुलेटिव होकर डील करते हो, और जब भी इस पर्सन की बारी आती है आप बहुत लविंग हो जाते हो, बहुत अनकंडीशनल हो जाते हो, और फॉरगिवनेस तो आपका जो है इजी वे है, मीन्स ये कुछ भी करें आप इन्हें माफ़ कर देंगे, और ये इन्हें पता है, इसीलिए ये अट्रैक्ट होते हैं कि उन्हें इतना प्यार करने वाला शायद ही इस जन्म में कोई मिले। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। यहाँ थैंक्स का बटन है, आप वहाँ जाके डोनेट भी कर सकते हैं, तो ज़रूर करें, इस काम में आगे बढ़ें और दूसरे को भी मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच।